और बॉयज वर्सेस गर्ल्स में अब स्कोर है बॉयज 1 गर्ल्स 1 ओ देखो आज यार हमको नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं आप सबके लड़के जो हैं पूरे टशन में हैं थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था कि लड़कियां ये स्टेज जब बैक स्टेज होते हैं तो ऐसे ही होते हैं एकदम टशन में होते हैं या एकदम मतलब ऐसे बिचारे से और लड़कों से भी पूछना चाहता हूं कि जो लड़कियां आज ऐसे ऐसे कर रही हैं सब आपको देख के क्या मतलब असलियत क्या है सर एक्चुअली जो ये है ना आज बहुत ज्यादा फेक दिखा रहे हैं अच्छा ऑफ स्टेज वो बहुत ज्यादा थकेले हैं सबसे ज्यादा तक ठीक था अब थकेले हो गए इन लोगों के रूम से जो स्मेल आता है जो बास आता है हर दिन रूम क्लीनिंग होती है लेकिन फिर भी जो बास आता है कह रही होगी ये बदबूदार है दावेदार नहीं ये बदबूदार नहाते भी नहीं आई आई आर यू सीरियस हमारे ग्रीन हुडी में जो है ओह माय गॉड मैं नहाता हूं यस तुम ऋषि आपका नाम ऋषि से शीशी हो रहा है शीशी है क्या बैग मतलब हम सब बहुत बोलने लगे हो शिवम हां एकदम अच्छा है अच्छा है ये शिवम एकदम अलग है हां मैं लास्ट टाइम जब आई थी और इस टाइम लाइक क्या बोल रहा है एक तो जब देखो तब ये लोग अपनी मदर लैंग्वेज में चबड़ 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 करते रहते हैं ये ट्रू ट्रू इन लोगों को जब गेम्स के लिए फुटबॉल खेलने के लिए बुलाते हैं ना तो आते हैं और ऐसे मुंह बना के आते हैं ए भालू लक्षिणा भालू लक्षिणा तुम लोगों को हम लोगों को देख के ऐसा लगता होगा ना कि हम लोग ऐसे लल्लू कुछ ऐसे है नहीं हां लग रहा है तभी बोल रहे हो बिल्कुल ऐसा ही लगता है हां ऐसा लगता है बोल नहीं बोलो 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 अरे लेकिन बोलो ना ऐसे क्यों ऐसी बातें बोलते रहिए भैया अपने अपनी पोल मत खोला करो सामने वाले की पोल खोलनी होती चार चवन्नी जब एक थाली में होती है ना आया कुछ आया तो तहलका ही होता है हमेशा एक सेकंड चार चवन्नी तहलका मचाती है ऐसा कौन बोलता है अच्छी दिया करो मिसाल खुद को तो बढ़ा सकते थैंक यू बॉयज थैंक यू गर्ल्स मुझे लगता है कि इस इसका कोई अंत नहीं है तो हम बैठते हैं शो को आगे बढ़ाते हैं क्या हुआ हुआ क्या डर लग रहा है डर क्यों लग रहा है एक बार आप सर से मिल आ जाओ ये पकड़ो आप एक बार जज एक शी इज अ बिट नर्वस बिकॉज शी हैज टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सर इन फ्रंट ऑफ यू डोंट वरी जस्ट टेक हिज ब्लेसिंग्स एंड सी Yes. Okay. अभी गाना है बाद में यहाँ पर पक्का चल आ जाओ पक्का Come on, Debosmita. Come on, Debosmita. On cue, can we have some water, please? हम लोग साउंड चेक शुरू करते हैं हाँ मेरा रैप में हाँ मैं गाऊंगा ना ऑफकोर्स कहाँ से गाऊँ बताओ यहाँ पे बैठ के देखूँ आपका परफॉर्मेंस
कैडबरी बोले मैं मीठा हूँ, कॉम्प्लान बोले मैं मीठा हूँ, हॉर्लिक्स बोले मैं अच्छा हूँ, अमूल बोले मैं सच्चा हूँ, क्या सबने सोचा मैं बच्चा हूँ, चॉकलेट खाने में टेंशन है, दूध पीने में टेंशन है, टेंशन 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 I'm not afraid.
तुम्हें हो क्या गया है? पता नहीं सर. और सोचिए सर, नर्वस होने के बाद ऐसा गाया है. देबो, आज तुमने क्या खाया है? बताओ क्या खाया है? ऑमलेट पाव खाया. ऑमलेट पाव खाया है. तो हमेशा ऑमलेट पाव खाया करो, बिकॉज ये अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस है. इस लेवल की एनर्जी, सुर क्या लग रहे थे तुम्हारे, टोटल क्वालिटी, अल्फाज को महसूस करना, वोकल एम्पलीफायर अप डाउन, करेक्ट टाइमिंग, ओ माय गॉड. और रहमान साहब के इतने डिफिकल्ट गानों को ऐसे तुमने एफर्टलेस तरीके से गा दिया. Yeah, I think if she was nervous and I think she was waiting to explode. So she was like controlling her. And I think it's always like put people's expectations down so that we can excel. Good psychological trick. Oh, yeah, but the fact is that she sings very, very well. There is a legendary singer who does that always. She'll come and say, oh, headphones are not working. I'm not hearing this stuff. After like 10 minutes, she'll just go. I won't tell who it is. Okay. Come on, you have to tell now. अभी तो बताना ही पड़ेगा. The lady who sang the song. अच्छा, आशा जी की बात कर रहे हैं. वो भी ऐसे ही करते हैं. Congratulations. It sounded beautiful. Especially Tanha Tanha, you know, going on the Sindhubarvi on top. I was just waiting for that note, Komal Ree to come in. You just nailed it. Thank you. मैं यही कहूँगा, जो है समा बांध दिया इन्होंने. मौसम बदल दिया. उसका पता नहीं कुछ ऐसे था. देखिए, हम लोग उनको एनडीए में मिलने के लिए गए जी. एंड उस हॉल में लिस्ट लगी हुई थी मार्कियस की, और उस समय हस्बैंड थे. उन्होंने कहा, यार अनुज, इसमें तो एक भी नैयर नहीं है. मुझे नहीं लगता कि वो लाइन अनुज ने कहां से पकड़ ली और वो चला गया. जब उसकी फर्स्ट पोस्टिंग थी गंगानगर, वो जा रहा था, मैं रो रही थी, तो मुझे कहता, माँ अगर तेरी तरह की सभी माएं हो जाएं तो इस देश को पाकिस्तान ले जाएगा. उस दिन मैंने रियलाइज किया, किस साल का बच्चा, उस दिन मैंने रियलाइज किया कि एक आर्मी ऑफिसर की मदर होने के नाते मुझे रोने का भी हक नहीं है. यहाँ बैठ के मैं इतना वो कर रही हूँ, पर मुझे राइट नहीं है उसकी, उसके ऑनर को लेस करने का. ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है. तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है. मैम, जब तक आप जैसी माएँ अनुज नैयर जैसे सपूत पैदा करती रहेंगी, दुनिया में कोई चाइना हो, कोई पाकिस्तान हो, किसी में दम नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठा के देख सके. ये बुक है जो कैप्टन अनुज नैयर पे लिखी गई है जी. हम, मैं जजेस तक भी पहुंचा दूंगा. आई ऋषि, आज के इस महान अवसर पर चार चांद, एक सूरज और तीन तारे लगाने आ रहे हैं भूतपूर्व इंडियन आइडल से निकले सिंगिंग के स्टार्स. प्यारे भाइयों, बड़ा मिस किया आप लोगों को मैंने यार. क्या बात है, मतलब ये एक्चुअली हमारे शो के इस सीजन के सबसे बड़े गेस्ट हैं. हाँ जी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल. ये इतना टैलेंट एक स्टेज पे कैसे, मतलब वो स्टेज गिर कैसे नहीं रहा मेरे समझ में. हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है सनी आप तो सनसनी हो गए हो एकदम.
आदित्य तुम बिल्कुल yes, सही कह रहे हो, पवन की टोपी नहीं बदली, अरुणिता पवन के बगल में है, दानिश के मामा जी भी आए हुए हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.